बड़ी निराली है इनके पावन धाम की, महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया। ताप्ती माँ जो युगों युगों और कल्पों कल्पों से सूर्य देव की बाहों में अठखेलियां करते हुए ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए कहीं फूल खिलाती हैं, कहीं अन्न उगाती हैं, जन जन जीवन का संचार करती हुई मूल तापी के गौमुख से निकलकर पूरे देश में भ्रमण करती हुई सूर्यपुर के अरब सागर में विलीन हो जाती है। ताप्ती मैया की महिमा कितनी निराली है, भक्तों ये पापों को धोकर मुक्ति दिलाती है। मृत्यु सीमा पर पड़े मनुष्य के मुंह में यदि ताप्ती जल की दो बूंद डाल दी जाएं, या भूलवश भी ताप्ती जल में मृत देह की अस्थि प्रवाहित हो जाती है तो उस मृत आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ताप्ती मैया सृष्टि आरंभ से निरंतर बहती चली आ रही है, ये ना ही कभी थकती हैं, ना ही कभी विश्राम करती हैं। हम सबकी झोलियां सुखों से भरती रहती हैं। ताप्ती कहाँ से आई, कैसे आई और कहाँ जाती हैं, इस पतित पावनी ताप्ती मैया की कथा आइए मैं आपको सुनाती हूँ। सूर्य देव का हुआ विवाह ये बात है बड़ी पुरानी, विश्वकर्मा की पुत्री संध्या बनी सूर्य की रानी। सूर्य देव संध्या के संग में जीवन लगे बिताने, यम मनु और यमुना उनकी तीन हुई संताने। संध्या सूर्य के तेज को सहना सके ज्यादा, सूर्य देव को छोड़ने का उसने किया इरादा। सूर्य देव की सेवा में छोड़ा अपनी छाया को, संध्या घोड़ी बनकर तप करने गई मंदिर को। ना ही डर था ना ही फिकर थी, अरे ना ही डर था ना ही फिकर थी उसको किसी अंजाम के। महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की, महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया। इधर सूर्य देव भी अपने तेज से संसार को गति दे रहे थे, उनके प्रचंड तेज से पृथ्वी पर तापमान और गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि धरती सूर्य के तेज से नष्ट हो रही थी। पृथ्वी के हिमशिलाखंड भी पिघलकर पीछे हट रहे थे। अत्यधिक गर्मी से पृथ्वी की प्राण वायु पर असर पड़ने लगा, जिसके कारण सभी जीव जंतु ब्रह्मा जी में समाने लगे।
सूर्य देव के तेज के कारण ब्रह्मा जी भी सृष्टि का पुनः निर्माण करने में असफल रहे, तब सभी देव और माँ पृथ्वी शिव शंकर महादेव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। तब महादेव जी ने सभी से कहा, छोड़ तो चिंता सारे, अब तुम हो जाओ तैयार। सूर्य देव की पुत्री तापती अब लेंगी अवतार। तापती मैया इस धरती का बढ़ता ताप हरेंगी, वो सबका कल्याण करेंगी, सबका पाप हरेंगी। आंखों में उम्मीद लिए मन में लेकर के आस, इतना सुनकर चले गए सब सूर्य देव के पास। सब देवों ने सूर्य देव के आगे सर को झुकाया, सबने मिलकर फिर उनको अपना दुख बतलाया। आपको रक्षा करना है, अब आपको रक्षा करना है, अब हम सबके सम्मान के। महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की, महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया। बढ़ती गर्मी और तापमान को रोकने के लिए सभी देवों ने सूर्य देव से प्रार्थना की और धरती माँ ने कहा, हे प्रभु, अगर आपने सृष्टि की रक्षा के लिए ताप्ती माँ का ध्यान नहीं किया तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। सबकी प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने अपनी पुत्री माँ ताप्ती का ध्यान किया। सूर्य ने अपनी पुत्री को याद किया जिस दिन, वो आषाढ़ का महीना देखो सप्तमी का दिन। सूर्य ताप से प्रकट हुई माँ ताप्ती शक्तिशाली, उनके तेज से चारों दिशाएं हो गई उजियाली। प्रथम नदी के रूप में माँ ताप्ती धरा पे आई, ताप हरा माँ ने धरती पर हर खुशियाँ लौटाई। सूर्य ने अपने तेज से इनको प्रकट किया है, तब से ताप्ती मैया इनका जग में नाम हुआ है। लाज रखी है देखो माँ ने, लाज रखी है देखो माँ ने, हम सबके सम्मान के। महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की, महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया। तब से ही ताप्ती माँ को आदि गंगा भी कहते हैं, क्योंकि वो ही सृष्टि आरंभ में जल के रूप में धरती पर आई थी। सभी नदियाँ उनका सेवन करती हैं, परंतु उधर जब भागीरथ जी की
कठिन तपस्या से गंगा धरती पर नहीं आई। तब विष्णु जी ने पूछा कि हे देवी, आप ब्रह्मा जी के कमंडल से धरती पर क्यों नहीं जा रही हो? तो गंगा जी ने कहा, तापती माँ की महिमा इतनी सब उनको पूजेंगे, मैं जाऊंगी धरती पर तो मुझको नहीं पूजेंगे। विष्णु जी बोले, नारद से तुम धरती पर जाओ, तापती जी के पुराने सारे ग्रंथ चुरा ले आओ। तापती ग्रंथ न होने से उन्हें दुनिया नहीं जानेगी, धरती पे फिर सारी दुनिया गंगा तुम्हें मानेगी। तापती माँ से झूठ बोल कर नारद ग्रंथ चुराए, गंगा जी तब आई धरा पे दुनिया महिमा गाए। तब से ही कम है धरती पर, तब से ही कम है धरती पर महिमा तापती नाम के। महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की, महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। जय तापती मैया, जय तापती मैया, जय तापती मैया, जय तापती मैया। होने से माँ ताप्ती का प्रभाव कम तो नहीं हुआ, पर लोग माँ ताप्ती जी की महिमा ज्यादा ना जान पाए। ताप्ती माँ को नारद जी द्वारा दिए गए धोखे का पता चला तो उन्होंने नारद जी को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया और गंगा जी को अपने ही कुलवंश में वधु बनकर आने का और उनकी वंश बेल ना बढ़ पाने का श्राप दिया। श्राप से भटकने के बाद नारद मुनि ने मूल तापी आकर माँ ताप्ती की 12 साल तपस्या की और ताप्ती माँ प्रसन्न हुई और उनके जल में स्नान करके नारद जी श्राप मुक्त हुए। उधर गंगा मैया को भी शांतनु से विवाह करके ताप्ती माँ की पौत्र वधु बनना स्वीकार करना पड़ा। आषाढ़ सप्तमी पर गंगा जी ताप्ती माँ के जल का सेवन करती हैं। समुद्र मंथन से निकली मदिरा जो राक्षसों ने वरुण देव को दे दी थी और वरुण देव ने उस मदिरा का पान अगस्त मुनि के आसन पर किया, जिसे देखकर अगस्त मुनि ने वरुण देव को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया और पुत्र मुख देख मुक्ति का उपाय बताया। इन्हीं का ताप्ती जी के साथ विवाह हुआ। वन में राजा संवरण जब करने गए शिकार, वन में वो उस पल अपना दिल गए तब हार। जब टकराई ताप्ती माँ से उस राजा की नजर, मोहित हो गए ताप्ती माँ को पल में देखकर। राजा ने फिर ताप्ती माँ से अपनी कही कहानी, फिर बोले करके विवाह बन जाओ मेरी रानी। ताप्ती बोली, मुझको पाना है तो ऐसा करो, मैं हूँ सूर्य पुत्री, मेरे पिता को प्रसन्न करो। अंतर ध्यान हुई है मैया, अरे अंतर ध्यान हुई है मैया, बातें करके काम की। महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की, महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती।
ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया। इधर संवरण ताप्ती जी को पुकारते हुए बेहोश हो गए। फिर जब वो होश में आए तो उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उनका तप शुरू किया। इधर सूर्य देव ने संवरण के तप की परीक्षा ली। एक बार रात को संवरण ध्यान में मग्न थे, तब उनके कान में आवाज लगाई कि हे राजन, तू यहाँ किसका तप कर रहा है? उधर तेरी राजधानी आग से जल रही है, तेरा कुटुंब जल रहा है, तेरे नाम की बदनामी हो रही है। परंतु फिर भी राजा का तप नहीं टूटा। संवरण की दृढ़ता देखकर सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और प्रकट होकर संवरण को वर मांगने को कहा। फिर संवरण ने सूर्य देव को देख ही किया नमन। मांग रहे थे सूर्य देव से वो अनमोल वचन, हे भगवान, अपनी पुत्री को दे दो ये आजादी, साथ फेर लेकर के ताप्ती मुझसे कर ले शादी। सूर्य देव बोले, मुझको ये बात पता है सारी, गुरु वशिष्ठ के हाथ कराओ शादी की तैयारी। सबकी राजी मर्जी से फिर पूरण काज हुए, राजा संवरण और ताप्ती एक दूजे के हुए। तीन लोक में महिमा छाई और तीन लोक में महिमा छाए ताप्ती माँ के नाम के। महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की, महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया। इसके बाद सभी देवों और ब्राह्मणों ने संवरण और ताप्ती माँ को आशीर्वाद दिया। शादी के कुछ अंतराल बाद ताप्ती माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया और अपने पुत्र का मुंह देखकर संवरण श्राप मुक्त हुए और वरुण देव अपने स्थान को प्राप्त हुए। ताप्ती जी ने अपने पुत्र का नाम कुरु रखा और अपने राज की बागडोर अपने पुत्र के हवाले सौंप कर वो भी अपने स्थान चली गई। फिर जिस जगह ताप्ती जी के पुत्र कुरु ने तप किया था, आगे चलकर वह कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। राजा कुरु पांडवों और कौरवों के पितामह बने। राजा जन्मजय के सर्प विनाशी यज्ञ से धर्म की हानि हुई, जिसका निवारण भी ताप्ती माँ के चरणों पर हुआ। माँ ताप्ती सर्पों के निवेदन करने पर उन पर विराजमान हो गई। बोले ताप्ती मैया की, महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की, महिमा बड़ी निराली है इनके पावन धाम की। जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया, जय ताप्ती मैया।